जो इंसान मौत से रोज खेलता हो और माथे पर शिकन तक नहीं आने देता, उसे उसे एक नाचने वाली ने इतना बेचैन कैसे कर दिया? ये मेरे साथ ही मामला है राजा। इतने सालों में तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम आज तक मेरे लिए अजनबी हो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा और ना ही कभी तुमने मुझे कुछ बताया, लेकिन राजा मैं तुमसे आज कुछ पूछना चाहती हूँ। ऐसा क्या है उस लड़की में जिसे देख के तुम अपना आपा खो बैठे हो? बोलो राजा। तुम्हें सफाई देना मेरे लिए जरूरी नहीं। तो फिर कैसे राजा, कैसे तुम एक नाचने वाली को देख के अपना आपा खो बैठे हो? तुम्हारे गुजरे कल में ऐसी कौन सी आ गई जो मुझे नहीं पता? क्या छुपा बैठे हो तुम अपने दिल में? तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। हमारा रिश्ता बहुत करीब का है। तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे दिल में रहते हो राजा। मैं तुमसे, मैंने एक दिन तुमसे कहा था ना, मैं दरवाजे के बाहर ही रहूंगा। आज तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम भी इस दिल के दरवाजे के बाहर ही रहो। अंदर आने की कोशिश मत करो लैला, चल जाओगी। और रही बात रिश्ते की, तो तुम बेगम हो और मैं वजीर। बेगम के बारे में सब कुछ जानना एक वजीर का फर्ज होता है, लेकिन बेगम को वजीर के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। हमें बेगम और वजीर बने रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रानी हो सकती हूँ और तुम सिर्फ मेरे राजा। इस राजा की कोई रानी कभी नहीं हो सकती। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। ये कमल अभी तक लौटा क्यों नहीं? ये गजर! अभी ना अपन दोनों भाई लोगों का ना एकदम तीन चार कड़क कड़क फोटो छापने का। चल अभी खींचने का। ऐसे 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 बस अभी बंटास। कमल जी, आखिर बात क्या है? चम्मा, तेरे नाम का कुत्ता पालू? अबे लोटस बोलने का, समझा क्या? वो क्या है ना कि अभी अंग्रेजी में नाम बोल रहे थे ना, थोड़ा भाई लोगों का इज्जत बढ़ता है। क्या ये समझा ना इसको? डायरेक्टर समझा ना, क्या बोलने का? लोटस, इंग्लिश में बोलने का लोटस। लोटस जी, स्टोरी क्या है? अभी क्या है ना, भाई का पहले के लाइफ के बारे में ना किसी को नहीं मालूम। क्या है कि कुछ तो है ना, कुछ तो है। तुम सच छुपा सकती हो, मिटा नहीं सकती। अगर वो डॉन जी है तो मैं भी नैना हूँ। अगली बार अगर मुझे छुआ ना तो नाक पर एक मुक्का दूंगी, बाल नोच लूंगी उनके। मेरे पर्स में हमेशा छोटा एक एप्पल काटे वाला चाकू होता है, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो था नहीं आज। हैं जी? हाँ जी, शक्ल अमिताभ बच्चन वाली और हरकतें प्रेम चोपड़ा वाली। फिर ब्लाउज की डोरी खोल दी।
हैं जी? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना नैना? नहीं। दिखा तुझे राजा भाई ने कहाँ कहाँ छुआ? पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या किया? मैं और रेखा तो बस दूसरों के घर की घंटी बजाकर भागते हैं, कहीं किसी ने शिकायत तो नहीं करती? क्या फिर वो टकलू चंदू? उसको हम चिढ़ाते हैं ना, चांद फिर से निकल आया, उसने डॉन जी के कान तो नहीं भर दिए? पर कोई बात नहीं, अब सुन, तू मम्मी को कुछ नहीं बताएगा? अरे पर? परवर कुछ नहीं, मैंने कहा ना मम्मी को कुछ नहीं बताएगा, अगर मम्मी को बताएगा तो मम्मी चिंता करेंगी और फिर रोना धोना चालू। मैं तेरा राज राज रख लूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तू मुझसे भी रिश्वत लेगा, मैं दोस्त हूँ तेरी। दोस्ती अपनी जगह और डील अपनी जगह। तो बताइए दरोगा जी क्या चाहिए? बहुत कुछ। साफ साफ बताना क्या चाहिए। तू तू आज शाम को मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घूमने चलेगी। अभी चलता हूँ, शाम को आऊंगा 8 बजे, तैयार रहना। हाँ हाँ, एक कटोरी बेसन से ही जैसे तू हेमा मालिनी बन जाने वाली थी। इस एक कटोरी बेसन से ना सही, लेकिन अगर तूने मुझे बचपन से महंगे महंगे साबुन से नहला होता ना, तो आज मैं भी हेमा मालिनी बन गई होती। तू नैना दीदी को तो बचपन से महंगे महंगे साबुन से नहला रही है। देख वो कितनी सुंदर दिखती है। मम्मी मम्मी, तो मुझे भी महंगे महंगे साबुन क्यों नहीं दिलाती? क्योंकि वो हीरोइन बनने वाली है, तू नहीं। क्यों नहीं बन सकती मैं हीरोइन? मधुबाला जैसी स्माइल, आशा पारेख की जैसी चाल, वैजंती माला का डांस और मुमताज का धमाल। सुन, ऐसे बंदरिया के जैसे नकल करने से कोई हीरोइन नहीं बन जाता। शकल सूरत भी कोई चीज होती है। अब तेरी शकल मेरी तरह बर्बाद है तो क्या करे? मम्मी, जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं ना, उन्हें ही ठोकर लगती है। हाँ। आ, मम्मी। दीदी तू क्या खड़े खड़े खीखी कर रही है? सच कहती हूँ, अगर तू मेरी बहन नहीं होती ना, तो आज तुम्हें जल के कोयला हो गई होती। देखा, तू इतना क्यों सोचती है? सोचना पड़ता है दीदी, क्योंकि तू मेरी सगी बहन, इतनी 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 सुंदर दिखती है, लेकिन ना तो तेरी शक्ल मुझसे मिलती है, ना मम्मी से और ना ही पापा से। तो अब सोचना तो पड़ेगा कि आखिर मम्मी ने तुझे कौन से कचरे के ढेर से उठाया होगा। चुप कर। और भाऊ, मैं क्या बोलता है? ये सब काय को करने का भाऊ? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। पूरी बंबई छाननी पड़े तो छान मारो, लेकिन मुझे प्रियंवदा सिंह देव, उनकी पोती रानी गायत्री सिंह और उसके पति इकबाल अहमद खान का पता चाहिए।